आज हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे हिंदू देश जहां आज तक कोई भी मुस्लिम नहीं पहुंचा। दुनिया में विभिन्न रिलीजन्स और कल्चर्स का शानदार मिश्रण है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां किसी विशेष धर्म के अनुयायी पूरी तरह से मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंट्रीज कौन सी हैं? इन देशों में न केवल स्पेशल ट्रेडिशंस और रीति रिवाज हैं, बल्कि ये रिलीजियस यूनिटी और सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से देश हैं जहां हिंदू धर्म का शासन है और मुस्लिम जनसंख्या का कोई अस्तित्व नहीं है। दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पहले हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई थी और अब धीरे धीरे एक बार फिर से दुनिया का हिंदू धर्म की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और सभी हिंदू त्योहारों को सभी रीति रिवाजों के हिसाब से मना रहे हैं। अपने मन की शांति और घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए इन देशों के लोग हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा पाठ हवन भी करवा रहे हैं। हिंदू धर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से आज दुनिया के कई देश पूरी तरह से हिंदूमय हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ हिंदू धर्म का बोलबाला है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले नंबर पर भारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से हिंदू आबादी वाला देश है। कौन कौन से हैं वह देश, आइए जानते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हिंदू धर्म अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। दुनिया के कई देश हैं जो हिंदू धर्म की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। अब जाकर दुनिया को सनातन धर्म की ताकत का एहसास हुआ है, हिंदू धर्म के अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ है। चलिए फिर आपको बताते हैं ऐसे 8 देशों के बारे में जहां हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 8, मलेशिया। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर मलेशिया आता है। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया में हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या 7% है, जो मुख्यतः भारतीय मूल के लोग से आते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री मुर्गन मंदिर है, जहाँ हर साल थाई पूसम महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मलेशिया में भारतीय संस्कृति के कई पहलू देखने को मिलते हैं, जैसे भोजन, त्योहार और रीति रिवाज। यहाँ के हिंदू लोग भी दिवाली, मकर संक्रांति और होली जैसे त्योहार मनाते हैं। मलेशिया में धार्मिक सहिष्णुता का माहौल है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ के हिंदू समाज में पारिवारिक मूल्यों का पालन किया जाता है और त्योहारों के दौरान लोग इकट्ठा होकर आनंद मनाते हैं। नंबर 7, त्रिनिदाद और टोबैगो। हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर त्रिनिदाद और टोबैगो है। यहाँ लगभग 18% पॉपुलेशन हिंदू है। यहाँ की हिंदू संस्कृति भारतीय प्रवासियों के द्वारा लाई गई है। शिवन शिवालय शामिल है। इनके प्रमुख मंदिरों में एसेंशियल मंदिर और शिवानंद शिवालय। हिंदू त्योहारों को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर दिवाली और होली। त्रिनिदाद में हर साल बड़े स्तर पर कैरेबियन हिंदू महासभा का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ के हिंदू समाज में पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और त्योहारों के दौरान परिवार के सदस्य एकत्रित होते हैं। इसके अलावा भारतीय शादियों में भी पारंपरिक रस्मों का पालन किया जाता है, जो यहाँ संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 6, गुयाना। हमारी इस लिस्ट में 6वें नंबर पर गुयाना आता है। गुयाना में लगभग 24% जनसंख्या हिंदू है। यहाँ की हिंदू आबादी मुख्यतः भारतीय प्रवासियों से संबंधित है, जिन्होंने 19वीं सदी में यहाँ आकर अपनी संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखा। गुयाना में काली माता का मंदिर है और श्री राम मंदिर जैसे कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे पूजा पाठ और भक्ति संगीत। गुयाना में सामुदायिक भावना मजबूत है और त्योहारों के समय विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। इसके अलावा हिंदू विवाह संस्कार भी यहाँ महत्वपूर्ण है, जिनमें पारंपरिक रस्में अदा की जाती है। नंबर 5, फीजी। फीजी में लगभग 27% पॉपुलेशन हिंदू है। यहाँ के हिंदू मंदिर जैसे शंकर मंदिर धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। भारतीय मूल के लोगों ने यहाँ अपनी संस्कृति और परंपराएं बनाए रखी हैं। फीजी में भी भारतीय त्योहार का महत्व है, जैसे दिवाली और होली।
जो सामूहिक रूप से हर्ष उत्सव के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि फिजी में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ के लोग पारिवारिक मूल्यों का पालन करते हैं और त्योहारों के दौरान एकजुट होकर उत्सव मनाते हैं। इसके अलावा फिजी में पारंपरिक संगीत और नृत्य भी हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। नंबर 4, सुरीनाम। सुरीनाम में भी हिंदू धर्म तेजी से अपनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरीनाम में हिंदू जनसंख्या लगभग 27% है। यहाँ हिंदू संस्कृति और परंपराओं का पालन किया जाता है और हिंदू त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में राम मंदिर और हनुमान मंदिर शामिल हैं। सुरीनाम में भारतीय संस्कृति का प्रभाव साफ दिखाई देता है और यहाँ के लोग भारतीय रीति रिवाजों का पालन करते हैं। त्योहारों के समय जैसे कि होली और दिवाली, लोग एकजुट होकर मिलकर जश्न मनाते हैं। यहाँ की हिंदू आबादी विविधता में एकता का प्रतीक है, जो विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को समेटे हुए हैं। सुरीनाम में भी पारिवारिक बंधनों को बहुत महत्व दिया जाता है। नंबर 3, मॉरिशस। भारत और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा हिंदू मॉरिशस में ही रहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म का पालन करने वालों की संख्या लगभग 48% है, जो इस देश की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी द्वारा लाई गई है और इसने मॉरिशस की पहचान को एक खास दिशा दी है। प्रमुख हिंदू त्योहारों में दिवाली, होली और महाशिवरात्रि शामिल हैं, जिन्हें बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों लोग शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मॉरिशस में हिंदू समुदाय अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखते हैं और एक अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के लोग सामूहिक उत्सव मनाने में विश्वास रखते हैं, जिससे विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और एकता का माहौल बना रहता है। हिंदू विवाह संस्कार भी यहाँ की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जहाँ पारंपरिक रस्में और अनुष्ठान बड़े धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं। नंबर 2, भारत। भारत हिंदू धर्म का जन्मस्थान है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 79.8% हिंदू है। हिंदू धर्म की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का यहाँ अभिन्न हिस्सा है। भारत में विविधता का अद्भुत संगम है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं का समावेश है। विभिन्न त्योहारों जैसे दीपावली, होली, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हजारों मंदिर हैं, जैसे काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, कांची कामाक्षी। यहाँ के लोग पूजा पाठ, अर्चना और यज्ञ में आस्था रखते हैं, जो उन्हें न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से एकजुट करता है। नंबर 1, नेपाल। नेपाल हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, जहां लगभग 81.30% जनसंख्या हिंदू है। यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य है और यहां की संस्कृति में हिंदू धर्म की गहरी जड़ें हैं। नेपाल में कई पवित्र स्थल हैं, जैसे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और मनकामना। पशुपतिनाथ मंदिर को हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, जहाँ लाखों भक्त हर वर्ष दर्शन करने आते हैं। यहाँ के लोग उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, विशेष रूप से दशिन और तिहार। नेपाल की विशेषता यह है कि यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी पालन किया जाता है, जिससे धार्मिक सहिष्णुता की भावना प्रबल होती है। नेपाली लोग अभी भी पारंपरिक रीति रिवाजों और पूजा पाठ का पालन करते हैं, जो उनके पूर्वजों की विरासत से उन्हें जोड़ता है। तो दोस्तों, यह थे वो देश जहां हिंदू धर्म सबसे ज्यादा चलन में है। लेकिन सिर्फ एशियाई देश ही नहीं जो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, बल्कि आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चीन से लेकर जापान तक, हर देश में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है और आगे बढ़ रहा है। रूस में भी हिंदू धर्म का पालन करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हिंदू धर्म, जो विश्व में सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, अपनी विविधता और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है। हिंदू संस्कृति ने विश्व भर के लोगों के स्थानीय जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। ऐसे देशों में हिंदू त्योहारों का आयोजन भी धूमधाम से होता है। दीपावली से लेकर होली जैसे त्योहारों की अब भारत के बाहर भी धूम मची हुई है। इन सभी देशों में हिंदू धर्म न केवल एक धार्मिक पहचान है, बल्कि एक सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म का विस्तार और विविधता केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।
जो विश्व भर में लोगों को जोड़ती है। दुनिया में हिंदू धर्म के बढ़ते कद को देखकर ऐसा लगता है जैसे अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में एक बार फिर से हिंदू धर्म का डंका बजेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। आपका धन्यवाद।